रियासत तेलंगाना में मौलिक बीमारी के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज महकुमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 66 नए केसेस रुजू हुए हैं। इस मौलिक बीमारी का फैलाव ग्रेटर हैदराबाद में रियासत में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव केसेस की तादाद 286 तक पहुँच चुकी है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा हैदराबाद में ही है। यहाँ पर सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 131 तक पहुँच चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। आज मुशर्राबाद के इलाके में एक मीनार मस्जिद के करीब से एक खानदान के 10 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक दो रोज़ कबल एक 64 साल खातून को तबीयत नासाज होने पर दवाखाने में शरीक किया गया था, जिसके बाद इन्हें मौलिक बीमारी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दीगर अफराद खानदान को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाद में इलाके को सैनिटाइज भी किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी ने यहाँ के पूरे वाकयात अपने कैमरे में कैद किए। बादजां इस गली को कंटेनमेंट जोन के तहत नो एंट्री नो एग्ज़िट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com।